अच्छा जी, इससे पहले कि हम ब्रेक से जब वापस आए तो आपने हमारी टीवी वन की स्क्रीन पर एक कलाम सुना। ये जो कलाम है पहली मर्तबा टीवी वन की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और ये बिनोरिया मीडिया की तरफ से, और आज इफ्तार के बाद बिनोरिया मीडिया के जो ऑनलाइन चैनल है उस पर भी ये अपलोड हो जाएगा और ये पहली मर्तबा है कि हमारी स्क्रीन पर आए। वैसे हम रोज़ रमज़ान सेहत से पहले बिनोरिया मीडिया की तरफ से जो भी कलाम है वो आप तक पहुँचाते हैं, और ज़रूर आप उनके बिनोरिया मीडिया के डिजिटल चैनल देखिएगा और आपको पता चल जाएगा वहाँ अपलोड हो जाएगा। आज मेरे साथ आज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज 25वां रोज़ है और ये मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक आया है, एंड आज हम बात करें स्किन के हवाले से। बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं, ख्वातीन होती हैं, वो स्किन के हवाले से परेशान होती हैं, चाहे डार्क सर्कल्स हो, पिगमेंटेशन हो, या फिर स्किन यू नो विटामिन सी की कमी हो, या फिर स्किन पे एक फ्लॉलेसनेस नहीं आती, झाइयाँ, लाइन्स, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हकीम हमादुल्लाह अलवी साहब, और मेरे साथ मुझे आज ज्वाइन इन किया है डॉक्टर लाइबा शेख ने, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, एंड ट्रेनिंग इन्होंने ली है अमेरिकन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक्स से, उसके बाद बेवरली हिल्स में से भी जाके इन्होंने एस्थेटिक्स में ट्रेनिंग की है, और डॉक्टर जॉनथन साइक्स साइक्स हु इज़ द वर्ल्ड्स रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन, उनके साथ ट्रेनिंग की है। सो That is amazing. Thank that you. adds a lot. And yeah. now tell us, मैं अपनी स्किन के लिए क्या क्या करूं? Your skin's flawless. Thank you so much. So, Laiba, let's start with something very basic, जो हर लड़की का प्रॉब्लम होता है, डार्क सर्कल्स। और आजकल प्रोडक्ट्स मार्केट में ओवर द काउंटर इतने आ गए हैं, यू नो, एंड दिस रेटिनॉल हो गया, और क्या कहते हैं, नाइसिनामाइड बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है, राख को लगाए। So, is it okay if you just start putting these things? See, what I believe is कि डार्क सर्कल्स खत्म नहीं होते। नहीं होते। अगर ये कोई बोल रहा है कि खत्म होंगे तो वो खत्म नहीं really? होते। Yeah. Wow. क्योंकि इसके अंडरलाइंग इश्यूज बहुत हैं। सबसे पहली बात, पानी का इंटेक बहुत कम है हमारा। दूसरा, स्क्रीन टाइम इतना है, अब वो जितना भी कोशिश करें हम कम वो करते ही नहीं है, और रातों की नींदें रमजान में तो वैसे ही कोई पूरी तो नहीं करती। डार्क सर्कल्स के साथ रहेंगे। तो आई थिंक कि कम हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, रेटिनॉल जिसने आपने मेंशन किया, दैट इज फॉर एंटी एजिंग, ठीक है। लेकिन जो कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, वो हम डार्क सर्कल्स पे यूज कर सकते हैं, दैट विल रिड्यूस देम डाउन, एंड वो पफी आईज जो हो जाती हैं वो कम हो जाएंगी, बट दे कांट द डार्क जो पैच बना होता है, बिल्कुल डार्क स्किन डिफर करती है। बट पीपल गो फॉर फिलर्स एज वेल दीज डेज, कि वहाँ पे फिल कर दें तो थोड़ा बेटर लुक हो जाए, लेकिन आई थिंक नेचुरली अगर आप करना चाहेंगे तो अपनी नींद पूरी करें, स्क्रीन टाइम कम करें, और अपनी हाइड्रेशन लेवल थोड़ा मेंटेन रखें। अच्छा, यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वी डोंट एक्सपेक्ट stuff like this, you know, we expect हाँ हाँ हो जाएगा, बस ये मैं कर दूंगी ना, तो ये आप पहली डर्मेटोलॉजिस्ट से कह रही है नहीं, आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, आप अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करी, you're just telling me कि ये करें, because there's no point, so even if I treat you and you don't sleep well, ठीक है जी। सो मैं आप मजीद आपके पास आऊंगी, यही सवाल मैं हिकमत की तरफ लेके जाती हूँ, बिकॉज हकीम, आपको पता है हर किसी का इलाज, हर चीज का इलाज होता है हिकमत में जी। मुझे बताया हकीम साहब के डार्क सर्कल्स, ये जो आंखों के नीचे काले काले बिल्कुल वो धब्बे पड़ जाते हैं, इसके कोई ट्रीटमेंट है? कहते हैं कि ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं ठंडा करके रखो, ये शहद में कुछ मिक्स करके रखो तो उससे कमी आती है। जी देखिए, ये इसकी जो पहली वजह ये होती है कि जिस्म के अंदर कोई ना कोई जिस्म के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, और वो खुराक हमें अपनी बेहतर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्किन पे लगाने के लिए जो ये दाग धब्बे हो जाते हैं, ये ख़ास तौर पर हल्के जिसको हम बोलते हैं, तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि पपीता ले लीजिए, ठीक है, और उसको छिलका उतार कर उसको पेस्ट कर लें, और उसी के बराबर वज़न ही हल्दी बिल्कुल बारीक कपड़े से छान लीजिए और उसके हम वजन मिला लें, और ये मिला लीजिए इसी के अंदर। मैंने कहा ये तीसरी चीज क्यों आ गई? जी जी जी, तो बराबर वजन दोनों चीजें मिला लें, जैसे एक चम्मच पपीते का पानी लिया और एक चम्मच हल्दी शामिल कर ली, पेस्ट बन जाएगा। वो पेस्ट अगर हम यहाँ लगाएंगे तो उससे हमारे हल्के ख़त्म हो जाएंगे। अंदरूनी तौर पर हमें अगर दूध का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे, और इसी तरीके से जो है अंदरूनी तौर पर जो है ना ग़िज़ाओं का, मग़ज़ियात का, बादाम का, यानी बादाम का हलवा इस्तेमाल करें, या गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, या चुकंदर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से अनार का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ये हम कमी इसकी दूर कर सकते हैं। कितना अर्सा लगेगा इसमें कम अज़ कम ये ट्रीटमेंट? जी देखें, कम से कम कोई भी मर्ज़ है उसके अंदर, अगर बहुत पुराना है तो उसमें कम से कम 40 दिन या 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं। लेकिन जी जी जी, तो अच्छा, इसके साथ हम जो है क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, एक ओप्टन बताते हैं हम इसके साथ।
ऑप्शन ये है कि वैसलीन होती है वो एक चमचा ले लें, और इसके अंदर जो है ना जौ का आटा होता है बिल्कुल उसको किसी बारीक कपड़े से छान लीजिए, दो चमचे वो ले लें, और इसी तरीके से हल्दी, हल्दी बिल्कुल बारीक खालिस जो है वो भी दो चमचे ले लें, और वो वैसलीन के अंदर जो है उसका पेस्ट बना लें। ये ओप्टन बन जाएगा आपके घर में, ओप्टन तैयार है। तो ये हमारे चेहरे के ऊपर जो खुश्की हो जाती है या ये जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं या ब्लैक इकनी हो जाती है या दूसरे मसाइल हो जाते हैं उसके लिए ये बेहतरीन ओप्टन है। आप इसको 10 मिनट के लिए भी लगा सकते हैं और 1 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं, उसके बाद इसको वॉश कर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुलाइबा। टेल मी, अच्छा ये चीज़ होगी फिर जो लोग काम करते हैं, ऑब्वियसली यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू लुक नाइस, तो यू नो दे गेट एग्जॉस्टेड, तो क्या कोई ऐसी स्किन रूटीन में चीज़ शामिल करें जो यूज दिस है कि वाइटमिन सी लगाने से आपकी जो फ्रेशनेस आती है? वाइटमिन सी से पिगमेंटेशन कम होती है, बट आई थिंक मॉइस्चराइजर इज द की। इफ़ यू मॉइस्चराइज योर स्किन वेरी वेल, तो वो जो डिहाइड्रेटेड सी संकन आई लुक और वो बिल्कुल उदास शक्ल जो हो जाती है वो नहीं रहेगी। अगर प्रॉपर मॉइस्चराइजर एंड फॉर द राइट स्किन, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि ऑयली स्किन वाले ड्राई स्किन वाला यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन वाले कोई भी यूज कर रहे हैं। ड्राई स्किन के लिए कुछ है ही नहीं, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट फेस वॉश। तो मेरे साथ क्या होता है, मैंने दुनिया भर के फेस वॉश ट्राई कर लिए है। रियली? सही है, हाँ, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जो चीज अवेलेबल थी और कुछ बाहर की चीजों में से, मेरी स्किन को कोई ऐसा प्रोडक्ट उसके अंदर होता है जो मेरी ये जो ये वाला एरिया ड्राई कर देता है, इसको एक्सट्रीमली ड्राई कर देता है। नहीं दे आर, आई एम नॉट श्योर व्हिच वंस यू यूज्ड, आई विल स्पीक टू यू लेटर अबाउट इट, वी विल सी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप कुछ चीज उठाएं तो आपकी स्किन के हिसाब से, या प्लीज आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप फर्स्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप स्किन प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, कौन सा किस पे यूज करना है। अब ऑयली स्किन वाले अगर थिक मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो एक्नी हो जाएगी, इट्स प्रोलॉन्ग, मतलब हर चीज़ कनेक्टेड है। सो आई थिंक सबसे पहले मॉइस्चराइजर वेरी इंपॉर्टेंट, सन ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द राइट स्किन सीरम्स लाइक यू मेंशनड, रेटिनॉल हो गया, नायसिनमाइड हो गया, विटामिन सी हो गया। अब जिस तरह पर्सन लाइक मी, मुझे पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाती है, आई यूज़ विटामिन सी, मुझे विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नायसिनमाइड टू हेल्प माई पिगमेंटेशन गो लो। सो पिगमेंटेशन झाइयाँ हो गई, पिगमेंटेशन आती जाती रहती है। यस, इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस, अ लॉट रिलेटेड टू स्ट्रेस, अ लॉट रिलेटेड टू। सो दे आल्सो से कि अगर यहाँ पिगमेंटेशन है इसका मतलब कुछ और है, अगर यहाँ पे, बिल्कुल। सो ये वाली जो पिगमेंटेशन बहुत आम होती है जो खवातीन में आती है, इसका क्या मतलब ये है? एक तो है पोस्ट हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत इस तरफ आती है, बैक ऑफ द नेक हो गई, यू कैन सी इट ऑन द नोज, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन का टाइम होता है उसमें आती है, प्रेगनेंसी के फौरन बाद आती हैं, जब लड़कियों के PCOS का एक मसला है बहुत कॉमन अनफॉर्चुनेटली, उसमें ये पिगमेंटेशन हो जाती है। सो जो लोगों को पिगमेंटेशन है वो क्या करें, वो क्या करें? सबसे पहले तो देयर ट्रीटमेंट्स फॉर इट व्हिच आई थिंक दे कैन डू। ऑल्सो अगर स्किन रेजिमेन में हम विटामिन सी लाइक यू मेंशन या नायसिनमाइड ऐड करें या कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, अगर आई वुड मेंशन देम, अगर हम कर सकते हैं तो वो, अगर हम यू कैन अप्लाई, बट प्लीज नॉट दोस फॉर्मूला क्रीम्स, वो जो चार फॉर्मूला क्रीम्स तो बिल्कुल भी ना प्लीज नहीं करें, वो जो चार फॉर्मूला क्रीम्स आती हैं, आई रिक्वेस्ट वो प्लीज यूज़ नहीं करें, बिकॉज बाय द टाइम जब आप उसको छोड़ते हैं फिर हमारे पास आते हैं, हमारे पास कुछ बचता नहीं उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि स्किन इतनी पतली हो चुकी होती है और इतनी सेंसिटिव हो चुकी होती है कि फिर हमारे बस से वो बात बाहर हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो हम झाइयों की बात करें, जैसे कि उन्होंने बताया, तो झाइयों के लिए कुछ हिकमत में कोई चीज़ है? जी देखें, ये झाइयों के लिए और खास सॉरी वो ब्लीचिंग एजेंट्स के बारे में बात की थी, तो टमाटर और ये सारी चीज़, ये भी तो ब्लीच ही करते हैं, नींबू टमाटर। जी 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 बिल्कुल, ये भी ज़बरदस्त चीज़ है, आलू भी बड़ा ब्लीचिंग जी, आलू आलू भी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, इसके लिए जो है ना मैं बताता हूँ, एक चीज़ बहुत मुफीद है ना, और उसके लिए छाइयों के लिए भी बेहतरीन है, और ये ख़ास तौर पर जो ये जो आपने जिक्र किया कि ये जगह ब्लैक हो जाती है ना, ये इसके और जैसे उन्होंने कहा, और इसी तरीके से जो है ना एक चीज़ जो आपने ये पूछी कि ड्राई हो जाती है, उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है, और हमने अपनी पेशेंट जो हमारी लेडीज़ पेशेंट हैं माशाल्लाह, उनको हमने ये दे के देखा है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखिए, रोगन बादाम, ठीक है, वो आप अच्छे वाला ले लें कहीं से भी, किसी भी बादाम, मतलब क्या ये ऑयल, बादाम का ऑयल, ठीक है, बादाम का ऑयल ले लें। दूसरी चीज़ ये है कि लीमू हर घर में मौजूद है, उसका पानी भी निकाल लीजिए, और तीसरी चीज़ ये कि खालिस शहद, ठीक है, हनी, तो ये तीन चीज़ें जो है आप मिक्स कर लें बराबर वज़न, ठीक है, एक एक चमचा तीनों चीज़ें ले लेंगे, इसको वज़न कर लें, और इसको अपने अपने घर में आप किसी भी जो है ना जार में रख लें, जार में रख लें, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है कि जो छाइयाँ हो जाती हैं या ब्लैकनेस हो जाती है अक्सर यहाँ जो है ना, इससे छाइयाँ हो जाती हैं और अजीब सा इंसान का जो है ना वो खूबसूरती जो है वो बदसूरती में जो है ना बदल जाती है, तो उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है ये कि सुबह शाम लगाएँ
और इससे जो है ना 3 दिन में ही आपका चेहरा जो है नुमाया हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। चलो जी जबरदस्त, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान।